वैसी अगर सोच हर एक्टर अगर रखने लगे कि तारक मेहता में भी फ्रॉम डे वन आई यूज्ड टू प्रैक्टिस दैट द एपिसोड वर्क्स देन द सीरियल इज गोइंग टू वर्क. लेकिन अगर मैं उधर सिर्फ अपने बारे में सोचूं कि ये जेठालाल इधर क्या कर रहा है, मेरे पास पंच नहीं है. अभी जो पंच अगर मेरे मुंह से इससे ज्यादा अगर डॉक्टर हाकी या किसी और कैरेक्टर के मुंह से अगर वो आता है तो ज्यादा उसका इफेक्ट है, सीन के लिए बेटर है, तो वैसा ही करना चाहिए. लेकिन ऐसा कोई सोचता नहीं है. तो मैं तो चलो मेरी वजह से शायद चलो मेरी जो टीम है मतलब हमारी जो टीम है तारक मेहता की तो सब लोग मिलजुल के काम करते हैं. पहले सब ऑफकोर्स नए नए थे लेकिन इस तरह का काम करने का तरीका करते करते अभी सब लोग ये सीख गए कि ऐसा नहीं है कि जो स्क्रिप्ट में लिख के आया कई जो कैरेक्टर के बीच की केमिस्ट्री उनको शायद पता नहीं होती है इतनी अच्छे से, तो वो कई बार लाइन ऐसी लिख देते हैं कि जो लाइन एक कैरेक्टर को नहीं लेकिन दूसरे कैरेक्टर अगर बोले तो ज्यादा बेटर लगे. तो हम ऑन सेट हम लोग कई बार डिसाइड करके कि हाँ नहीं ये लाइन ये तुम बोलो तो ये ज्यादा बेटर सीन के लिए बेटर रहेगा. तो मैं समझता हूँ अगर हर एक्टर इस तरह अगर काम करने लगे. और यहाँ पे अगेन यू नो द सेक्ट विच आई फॉलो स्वामीनारायण सेक्ट, तो हमारे गुरु है परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज, उनकी जो एक लाइन है वो मुझे बहुत टच कर गई कि इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज आवर ओन, दूसरों की खुशी में हमारी खुशी. तो उसमें क्या आई का कॉन्सेप्ट ही निकल गया. नॉर्मली हर इंसान में आप कोई भी फील्ड में ले लो हमेशा यही होता है कि मेरा इसमें क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ. तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई. आप दूसरों को खुश करो, आप दूसरों के लिए कुछ करो, अगर वो राइट कुछ होगा उसमें तो मिलेगी ऑटोमेटिकली आपका मतलब अच्छा होगा. तो या आई फील कि जो भी आने वाले एक्टर्स है वो ये समझे और सेल्फिश ना होके ये अगर काम करने का तरीका अपना है तो अच्छा काम भी हो सकेगा. और एक माहौल जो होता है सेट का सब घुल मिल के अच्छे से जो काम कर सकते हैं वो भी अच्छा रहेगा.